आज का इस लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आज से बूटस्ट्रैप 4। सबसे पहले बूटस्ट्रैप क्या है, उसके बाद हम जाएंगे बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। तो इनिशियली वेब डेवलपर हो या फ्रंट एंड डेवलपर हो या स्टूडेंट्स हो, एक आपको इनिशियली HTML और CSS का बेसिक नॉलेज इनिशियली देना पड़ता है। मतलब 10वीं कक्षा से ही आपको HTML के बारे में और CSS के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और आपने कहीं ना कहीं पढ़ भी लिया होगा कि वेबसाइट को बनाने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए CSS का नॉलेज होना जरूरी है, HTML का नॉलेज होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट सच था आज से 5 साल पहले के। पहले का जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से जो HTML और CSS का रिक्वायरमेंट था वो स्टेटमेंट उस हिसाब से सही है, लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई बोले कि सिर्फ HTML एंड CSS इज अ गुड फॉर वेब डेवलपर, फॉर फ्रंट एंड डेवलपर और फॉर मेकिंग वेबसाइट और वेब पेजेस, सो इसका आंसर टोटली रॉन्ग है। मतलब हम ऐसे नहीं बोलता कि HTML और CSS का इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बेसिकली हमें HTML और CSS तो आना ही चाहिए, लेकिन बूटस्ट्रैप एक ऐसी फ्रेमवर्क है जिसने वेब पेज के जो डिशेड है, उसके जो एनवायरनमेंट है, उसको एकदम अलग लेवल पे ले गए, उसको एक ऊंचाई पे ले गए। बूटस्ट्रैप की मदद से हम इजीली कोई भी वेब पेज जिसे हमें HTML और CSS में कहीं टाइम लग जाता था, 2 दिन 5 दिन, और उसके लिए हमें फ्रंट एंड डेवलपर से सलाह मशवरा करना पड़ता था। यदि हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वो काम डिवाइड हो जाता था, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और डेटाबेस एंड टेस्टिंग डिपार्टमेंट। आज की तारीख में भी वही सिनेरियो तो कंटिन्यू है, लेकिन एक डमी बूटस्ट्रैप, मतलब एक डमी इमेजेस या डमी वर्क के अंदर और रिस्पॉन्सिव इमेजेस और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं और बहुत सारे वेब डेवलपर्स कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए w3schools.com को ही रिफर करते हैं। ये स्टैक ओवरफ्लो का भी सर्वे है और आप ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो, जिसके रेफरेंसेस आपको w3schools.com या तो tutorials.point, ऐसी 2-5 ऐसी वेबसाइट है जो फ्रिक्वेंटली आपको अपडेटेड वर्जन और अपडेटेड चीज़ों के बारे में बताता जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम w3schools.com से ही बूटस्ट्रैप के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं बूटस्ट्रैप क्या है। ओके, बूटस्ट्रैप 4 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप विच इज द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। ओके, आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है HTML के लिए, CSS के बारे में और जावास्क्रिप्ट के बारे में, एकदम बेसिक लेवल। टैग किसे कहते हैं, क्लासेस किसे कहते हैं, स्क्रिप्ट टैग, जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखना होता है, इसका बेसिक नॉलेज या उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तब आप बूटस्ट्रैप पे जंप कर पाओगे। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम आगे के लेक्चर में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसको कंबाइन करके हम उसको बूटस्ट्रैप में यूज करने वाले। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को ही पढ़िए कि बूटस्ट्रैप विच इज द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, वो एक क्या है, फ्रेमवर्क है। ओके, फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं पहले हम ये बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक बटन बनाया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा ये बटन बनाने के लिए इसका कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उसका नाम लिख दूँ। जैसे मैंने ये बटन बनाया, उसका नाम दिया है मैंने BTN, BTN सक्सेस, ठीक है। सुनिएगा, अभी इसी बटन को, ये होम, ये नेक्स्ट, बटन की डिजाइन देखिए सेम है, ऐसे ही है, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट कलर, वो सब एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड टाइम जब मुझे इसका यूज करना है तो मैं सिर्फ उसका नाम ही लिख दूंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, तो मुझे हर बार नई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही कोडिंग से मल्टीपल टाइम्स मेरे कोड को, मेरे सोर्स कोड को रीयूज कर सकता हूँ, इट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। तो फ्रेमवर्क, इसको भी कुछ ऐसे ही बताया जाता है कि जो अच्छे डेवलपर है, जो एकदम हाई लेवल डेवलपर्स है, जिन्होंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारी कोडिंग ऑलरेडी बनाई हुई है, इन्होंने सिर्फ उसके क्लास का नाम ही हमें यूज करने को दे दिया,
जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, क्लास कंटेनर, क्लास रो, क्लास कॉल SM4, ये सब क्या चीज है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि हमें बूटस्ट्रैप में यूज करने के लिए ये सब क्लास का नाम और ये क्लास के जो यूज है उसको समझना जरूरी है। तो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है? तो फ्रेमवर्क एक ऐसी कोडिंग का पूरा हिस्सा है, ऑलरेडी सब कोडिंग और सब चीजें अवेलेबल है, हमें जस्ट उसका यूज ही करना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले समझते हैं बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4 के बीच में क्या डिफरेंट है, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप जो है ट्विटर ने डेवलप किया हुआ है। जी हाँ, ट्विटर सोशल प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया वाली जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उन्होंने ही बूटस्ट्रैप को, मतलब बूटस्ट्रैप की फ्रेमवर्क को बनाया। उन्होंने, उनके डेवलपरों ने अपने यूज के लिए पहले बनाया था और फिर पब्लिक यूज के लिए, जिसको ओपन सोर्स बोलते हैं। आप GitHub पे पूरा कोडिंग बूटस्ट्रैप का देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा आप ऑफलाइन भी कैसे वर्क कर सकते हो वहां पे। आगे कंटिन्यू आते हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप। ओके, ये एक लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप 4, अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन, विथ न्यू कंपोनेंट, फास्टर स्टाइल शीट एंड मोर रिस्पॉन्सिवनेस। यस, यहाँ पे एक वर्ड आता है रिस्पॉन्सिवनेस, ऊपर भी एक वर्ड आया हुआ था मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये क्या होता है बेसिकली? तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट vnsgu.ac.in। ओके, ये मेरे लैपटॉप में इस उसका जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, मुझे इसको अब मोबाइल में एक्सेसिंग करना है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं मोबाइल सिलेक्ट कर दूंगा। ये वेबसाइट जो है वो चेंज हो गई, मैं इसको आईपैड के लिए ओपन कर, देखिए आप वेबसाइट जो है उसका व्यू जैसे डेस्कटॉप में था बस वैसे ही हो गया, लेकिन कुछ मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुआ, यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं हुआ। इसी के साथ मैं एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ, यूट्यूब। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, YouTube को मैं पहले मैंने अपना लैपटॉप में ओपन किया हुआ है, अभी मैं इसको अपने मोबाइल में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैं ये VNSU वाली वेबसाइट के भी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, वो उसका ओवरव्यू, उसका कंटेंट कुछ चेंज नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही है। और यहाँ के YouTube वाले जो कंटेंट है मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो जो 4 बॉक्सेस थे वो यहाँ पे 2 पे हो गए और वो ऐसे मोबाइल फ्रेंडली हो गए। देखो जो मेनू थे वो नीचे आ गए, ट्रेंडिंग मेनू। ओके, इसको मैं अब मोबाइल के लिए, मतलब गैलेक्सी S5 के लिए ओपन करूँ, आप देख सकते हो उसकी डिजाइन चेंज हो रही है। जैसे जैसे मैं डिवाइस को चेंज कर रहा हूँ, मैं अभी आईफोन X के लिए इसको ओपन कर रहा हूँ, देखो उसकी डिजाइन जो है वो चेंज हो रही है 100% कर रहा हूँ। मैं इसको अब रोटेट कर रहा हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के हिसाब से उसका व्यू जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे VNSU पे देखे तो हर एक के लिए वो एक ही व्यू दे रहा है, वो कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि VNSU जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जबकि यूट्यूब जो है वो रिस्पॉन्सिव है। ओके, आपको रिस्पॉन्सिव वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये लेक्चर दोबारा यूट्यूब पे देख सकते हो, मैं इसका रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे रख दूंगा। और आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। तो रिस्पॉन्सिव इसको बोलते हैं कि हम कोई भी डिवाइस में देखें वो उस हिसाब से फिट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप से ही हम इजीली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। आज से पहले, मतलब 5-10 साल पहले जब बूटस्ट्रैप नहीं था, तब HTML और CSS के हेल्प से हमें बहुत सारा कोडिंग करके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना था। लेकिन बूटस्ट्रैप का बहुत एडवांटेजेस है, डेफिनेटली बहुत यूजफुल है, उसके इजीली यूज से हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट मतलब वो पहले देगा मोबाइल को, मोबाइल की प्रायोरिटी के हिसाब से वो अपने आप को फिक्स कर देगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम आगे जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर।
बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड, रिमेंबर इट इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। हाँ, बैक एंड फ्रेमवर्क जो पीएचपी के लिए होता है, जो एएसपी के लिए होता है, जैसे कि कोड इग्नाइटर, लारावेल, एमवीसी पैटर्न, ऐसे ही बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का। ओके, नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप इंक्लूड एचटीएमएल एंड सीएसएस बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट फॉर, मतलब उसने एचटीएमएल और सीएसएस का ही यूज किया हुआ है। हम कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं? तो टाइपोग्राफी में, फॉर्म बनाने में, बटन्स बनाने में, टेबल्स बनाने में, नेविगेशन, जी हाँ, ये जो ऊपर मेनू बनाया हुआ है ना, हम उसी को भी इजीली यूज कर सकते हैं। मॉडल्स, सबसे ज्यादा बूटस्ट्रैप में अगर अट्रैक्टिव चीज मुझे लगती है तो वो मॉडल्स है। हम मॉडल से बहुत सारी अट्रैक्टिव इमेजेस, बहुत सारा कंटेंट मॉडल से बना सकते हैं। इमेज प्रेज्यूअल एंड मेनी अदर, एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन। हमें कोई प्लगइन का यूज करना है तो हम जावास्क्रिप्ट का प्लगइन का यूज करके भी बना सकते हैं। ओके, बूटस्ट्रैप आल्सो गिव यू द एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मैंने आपको अभी ही बताया व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन। हम बूटस्ट्रैप से इजीली रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से लोग ने आया व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, तो इसका शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वेबसाइट विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट देमसेल्फ टू लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस फ्रॉम स्मॉल फोन टू लार्ज डेस्कटॉप। मतलब छोटे से छोटे मोबाइल में भी वो व्यू और यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट होगा उसका, और हम अगर उसको टैबलेट में या डेस्कटॉप में या बड़े टीवी में भी उसका व्यू करें तो उसका व्यू यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ऐसी ऐसे व्यू को हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। ओके, व्हाई यूज बूटस्ट्रैप? हम बूटस्ट्रैप का क्यों यूज करेंगे? तो इंस्टाग्राम पे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भेजी थी जिसमें हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उसी में से एक बूटस्ट्रैप का ये है कि इजी टू यूज, हमें डायरेक्ट क्लास का नाम लेके ही उसका यूज करना है। रिस्पॉन्सिव फीचर्स, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, यस, ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, दैट मीन्स वो मोबाइल की प्रायोरिटी को हाई रखता है। और ब्राउजर कंपेटेबिलिटी, एवरी आज के हर एक मॉडल और अपडेटेड ब्राउजर में बूटस्ट्रैप सपोर्टेबल है ही। चलो, हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं? तो दो तरह से यूज कर सकते हैं। या तो हम उसकी CDN फाइल को डाउनलोड कर लें। CDN, ये वर्ड आपको बहुत बार आएगा। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। या तो आपको ऑफलाइन यूज करना है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो getbootstrap.com। बेसिकली हम CDN का ही यूज करेंगे। तो ये दो एक वेबसाइट है जो CDN प्रोवाइड करती है, एक है MaxCDN और एक CDNJS। ये सारी CDN फाइल को हमें डाउनलोड करना है, लेकिन हम डायरेक्ट उसका ऑनलाइन यूज ही करेंगे। पहले आपको समझा देता हूँ CDN क्या चीज है। ओके, अब ये इमेज को ध्यान से देखिए। ये जो फर्स्ट वाली इमेज है ये CDN का एक एग्जाम्पल है, और ये जो सेकंड वाली जो एग्जाम्पल है ये विथाउट CDN का एग्जाम्पल। कैसे यार, ये समझते हैं। जिसे मान लीजिए पांच डेवलपर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी पांचों के पांचों बूटस्ट्रैप पे वर्क कर रहे हैं। तो ये वाला बंदा उसकी बूटस्ट्रैप की फाइल अपने लोकल पीसी पे रखेगा, ये वाला बंदा उसकी बूटस्ट्रैप की फाइल अपने लोकल पीसी पे रखेगा, ये वाला बंदा भी ऐसे करेगा। मतलब हर एक अपना सेपरेट अलग अलग फाइल बनाएगा, जो कि उसका जो क्लासेस है वो तो कॉमन ही है, लेकिन फिर भी हर एक अपनी अपनी फाइल क्या रख रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं। अभी होगा क्या, बूटस्ट्रैप में कुछ लेटेस्ट अपडेट आया या आपके लोकल पीसी में कोई प्रॉब्लम्स आ गए, फाइल मिसिंग हो गई, तो क्या होगा, आपके पूरे डेटा, पूरी बूटस्ट्रैप की इफेक्ट लॉस हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वो आपकी लोकल फाइल में था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने उसका CDN बना दिया, मतलब मैंने कुछ ऐसे लोकेशन पर स्टोर कर दिया जहां से हर एक वेबसाइट को गुजरना ही है। अगर आपको नाम पता हो या नहीं पता हो, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। HTTPS, मतलब जो वेबसाइट सिक्योर है, सिक्योर नहीं है, वो सबका टेस्टिंग एक क्लाउड फ्लेयर करके वेबसाइट है ये वाली। मैं इसको पहले डेस्कटॉप के व्यू में कर देता हूँ, ओके, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये क्लाउड फ्लेयर जो ये वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट यहाँ से पास होके आपके पास आती है। मतलब आपको एक एग्जाम्पल बताऊं,
जैसे मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ google.com, तो पहले ये मेरे लोकल पीसी पे होगा, वहां से जाएगा रिक्वेस्ट सर्वर पे और सर्वर से वापस आ जाएगा वो मेरे ब्राउजर पे, लेकिन क्लाउड फ्लेयर को पास होके जाएगा या अपने अपने सीडीएन मतलब अपने अपने सर्वर से जो सिक्योरिटी अथॉरिटी है वहां से पास होके जाएगा। तो क्यों ना हम जो बूटस्ट्रैप की फाइल है वो क्लाउड फ्लेयर से ही मांग ले, तो समझ रहे हो। तो सीडीएन भी कुछ ऐसे ही एनवायरमेंट दे रहा है, एक लोकल सर्वर सॉरी एक ग्लोबल सर्वर पे फाइल को रख देगा, जिसे यूज करना है जहां यूज करना है वो उसे कॉल कर दे, डायरेक्टली यूज हो जाएगा। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें सीडीएन का यूज करके ही हमारी वेबसाइट को यूज करना है, हमारे वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप का यूज करना है। ओके, सीडीएन का क्या एडवांटेज है, तो यहाँ पे बोल रहे many user already have downloaded bootstrap 4 from mac cdn when visiting another website, jaise mere dost ki ek website hai a.com aur meri hai b.com, to a wale ne already bootstrap ko download kiya hoga, usne internet pe upload kiya, matlab usne bootstrap ki puri file server ko di hui hai। ab jab main bhi usko server ko de raha hu, usse acha main bol raha hu bhai jo a wale ne diye hai na mujhe wahi bootstrap file ko call karna hai, remember na sirf bootstrap file ko, मतलब जो ऐसी फाइल जो हर एक को शेयर करने को मिलती है ऐसी फाइल। तो इससे क्या होगा, सर्वर का लोड टाइम बच जाएगा और मेरी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो फास्ट हो जाएगा, तो वेबसाइट फास्ट लोड हो जाएगा तो यूजर को इंटरेक्ट करने में भी मजा आ जाएगा। ओके, चलो आज हम एक फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बूटस्ट्रैप का। सबसे पहले तो आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं, आपको जो एडिटर में अपना कोडिंग करना है वो कर सकते हो आप। डॉक टाइप एचटीएमएल ये लिखना होता है कंपलसरी, इससे ब्राउजर जो ओल्ड टाइप के ब्राउजर होते हैं उसको आइडेंटिफाई होता है कि भाई इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और HTML5 का यूज किया हुआ है। HTML लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो इट्स ओके। हेड टैग टाइटल टैग बूटस्ट्रैप एग्जांपल की जगह पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप क्लास, कैरेक्टर UTF-8, आप गूगल कर सकते हो मेटा कैरेक्टर, बहुत सारे एनकोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेटिंग है उसी में से एक है UTF-8, और मेटा नेम व्यू कोड कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट रख देना है। आपको इसको ज्यादा बेसिकली इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि वीट जो डिवाइस वीट है वो ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्सिव बनती है वो इस हिसाब से बनती है और इनिशियल स्केल उसका 1 रहता है। चलो ये जो है वो सीडीएन फाइल है bootstrap.min.css और उसका वर्जन है 4.4.1, और दूसरा जो है वो एजेक्स की फाइल है एजेक्स और जेक्वेरी जिसका वर्जन है 3.4.1 जो है जेक्वेरी min.js, और मैंने आपको अभी बताया क्लाउड फ्लेयर यहीं से सब वेबसाइट को पास आउट करना होता है, उसकी एक है popper.js और लास्ट वन है बूटस्ट्रैप की ही js फाइल। बॉडी टैग को यहाँ पे मैं खत्म कर लेता हूँ, टैग को खत्म करता हूँ, मेरे फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ bs1.html डेस्कटॉप पे। मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ कैसे उसका व्यू हो रहा है। मैंने कोई कंटेंट नहीं दिखा, इनपुट नहीं किया है उसके लिए वो विजिबल नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2 हेलो वेलकम, मैं H2 को खत्म कर रहा हूँ, सेव करिए, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो मेरा जो H2 का आउटपुट है वो कुछ ऐसे है, और वो उसका जो फॉन्ट है ना वो नॉर्मल एचटीएमएल से कुछ अलग है। कैसे, मैं ये सपोज मैं सीडीएन फाइल को अभी डिलीट कर देता हूँ, अभी के लिए मैं उसको कट कर रहा हूँ, अभी सेव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये विथआउट सीडीएन है और ये विथ सीडीएन है, दैट्स इट। अभी जब भी आप बूटस्ट्रैप का यूज करो तो सबसे पहले एक रूल्स याद रखो कि उसके अंदर लगा देना है आपको डिव क्लास कंटेनर, जैसे सी प्रोग्रामिंग में आप लगा लेते थे void main या integer main, ऐसे यहाँ पे आपको क्या लिखवाना है div class, जो काम करोगे आप वो container के अंदर ही करोगे। save, इससे क्या होगा
तो आगे की जो कुछ कंटेन है, जो स्पेसिस है, वो ऑटोमेटिक कट होके आ जाएगी। इसके हेल्प से कंटेनर, कंटेनर क्लास। ओके, ऐसे दो क्लास है, एक है कंटेनर और दूसरा है कंटेनर फ्लो आईडी। हम उसके डिटेल में आगे जाएंगे, अभी के लिए आप समझिए कंटेनर, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज बटन लिखा मैंने यहाँ पे, क्लास अप्लाई किया btn, btn dash success, मैंने यहाँ पे लिखा सक्सेस बटन, रिफ्रेश करूंगा। अब देख लो, मैंने कोई बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं दिया है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन कलर लेके आ गया, कैसे? और वो ऑटोमेटिक बटन के शेप में आ गया। यहाँ आप बोल रहे हो कि सर आपने बटन टैग का यूज किया उसके लिए, तो आइए मैं इसको ए टैग कर देता हूँ, अभी सेव करूंगा। देखो वो बटन के शेप में ही है, चलो मैं उसको पी टैग कर रहा हूँ, अभी सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो अभी भी वो बटन के शेप में है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्लास। कौन सा क्लास? सबसे पहले btn और उसका सब क्लास है btn success। ओके, मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं लिख दूंगा डेंजर। फाइल को रिफ्रेश कर दूंगा, देखो वो रेड फॉन्ट में आ गया। ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जिसको हम वन बाय वन समझेंगे और उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको ये और भी यूजफुल और इजी लगने लगेगा। आपको जस्ट क्लास का नाम ही लेना है। मैं एक आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसपे बूटस्ट्रैप की कोडिंग मिल जाती है आपको, बूटस्ट्रैप कोड स्नैपेस्ट की एक वेबसाइट है। यहाँ आप देखिए हर एक चीज का कोडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कि हमें ये वाली डिजाइन बनानी है हमारी वेबसाइट में, टेम्पलेट एडिटिंग के लिए तो बूटस्ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाली कोडिंग हमें चाहिए, तो आप इसके HTML में जाके यहाँ पे देख सकते हो। मैक CDN, जो जो CDN फाइल है वो उन लोग ने कॉल की हुई है और ये पूरा बूटस्ट्रैप है। मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे 4 या 5 वीडियो को कवर करोगे तो डेफिनेटली आप ऐसी डिजाइनिंग बना सकोगे, ऐसी वाली। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप बूटस्ट्रैप को इजीली यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ही बहुत सारी डिजाइनिंग अवेलेबल है। आज के इस वीडियो के लिए आपको इतना ही, कल हम जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर और डिटेल में। जो ये कंटेनर क्लास है वो कंटेनर क्लास का डिटेल में जाएंगे यहाँ पे, हर कंटेनर क्लास। उसके बाद हम ग्रीड बेसिक में जाएंगे, सबसे ज्यादा यूजफुल जो क्लास है वो ग्रीड है। जैसे न्यू क्लास इज इक्वल टू रो, फिर कॉल MD4, कॉल MD6 हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया अलर्ट, ये ऐसे अलर्ट हर एक वेबसाइट में हम जब जाते हैं तो अलर्ट का मैसेज आता है कि वेलकम एडमिन, वेलकम यूजर, तो वो अलर्ट की मदद से आता है। फिर स्पिनर, वेबसाइट जब लोड होती है तो कुछ डायग्राम तरह या उसका जो एनिमेशन है वो इनिशियली जैसे ऐसे लोडिंग होता है, तो ये भी बूटस्ट्रैप के मदद से बहुत इजीली है। जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी, तो ब्लू कलर का आएगा सक्सेस, इन्फो ये ब्लू कलर में है, फिर ये डेंजर के लिए रेड कलर है। हमें सर उसका क्लास का ही यूज करना है। जैसे यहाँ देखो स्पिनर बॉर्डर टेक्स्ट म्यूटेड। ओके, मैं बेसिकली बूटस्ट्रैप में सबसे ज्यादा जो किस चीज का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो भाई वो मॉडल और मैं ये कार्ड्स का बहुत सारा यूज करता हूँ, जैसे बूटस्ट्रैप कार्ड्स। इसको ये डिजाइन बनाने के लिए आप जस्ट 5 क्लास का नाम याद रखना आपको, कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, बस आपको इसी में जाना है। ऐसे आपको जाके आगे बनाना है मेनू, जैसे मेनू बनाना है तो ये रहे मेनू, उसके आपको सिर्फ नेव क्लास का यूज करना है। फिर आपको इनपुट टैग जो है उसको, अच्छा आपको पॉप ओवर बनाना है, जैसे आपने पेटीएम में देखा होगा टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, उसको वहां पे क्लिक करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। ये सारी चीज हम बूटस्ट्रैप से इजीली बनाएंगे। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपको CDN के बारे में और बूटस्ट्रैप क्या है उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल के वीडियो में हम जाएंगे आगे, बूटस्ट्रैप के हर एक क्लास को वन बाय वन समझेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल टास्क भी दूंगा, आपको उस टास्क को सबमिट करवाना है। एक वेबसाइट है JS Fiddle करके, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे ही पूरा बूटस्ट्रैप का कोडिंग करो और ये फाइल को अपना अकाउंट बना के सेव कर दो। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि इन फ्यूचर जब आपको कहीं पे इंटरव्यू के लिए या
कोई बड़ी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपने बूटस्ट्रैप के ऑलरेडी यहाँ पे जो कोडिंग किए होंगे वो इजीली आपको यूज करना होगा। मैं पूरे अपने सेशन में यही एडिटर का यूज करने वाला हूँ, जिससे मैं आपको अपनी फाइल भी सेव कर दूंगा और आपको शेयर भी कर दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मैं ये वाला वीडियो पूरा यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आने वाले वीडियो में, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो रिलेटेड टू बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, अजेक्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर।